बेतहाशा पूछा जाता है एक प्रॉपर उसका सेक्शन होता है तो आज की क्लास में आई क्यू के टॉपिक से बात का आगाज कर रहे हैं और के के का। सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के आता है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन को देख के वो खास वजह क्या होती है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड स्टेटमेंट गिवेन होती है डायरेक्शन के क्वेश्चन में अब एक चीज जरा समझनी पड़ेगी डायरेक्शन के क्वेश्चन होते क्या है डायरेक्शन आई के अंदर कैसे पूछी जाती है देखो यार आपको बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा उस वर्ड प्रॉब्लम को आपने एक शेप में कन्वर्ट करना है

भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तोड़ तोड़ के बाद समझेंगे कहता है मेडी एक बंदा है लेट्स सपोज मैं मेडी हूं मेडी स्टार्ट फ्रॉम हाउस टू वेस्ट यानी कि एक साहब है जिनका नाम है मेडी वो अपने घर से निकले और वेस्ट की जाने ट्रैवल किया उन्होंने यानी कि जो मेडी साहब है वो वेस्ट की जाने ट्रेवल किया मुझे पता है वेस्ट इस जाने होता है हमेशा याद रखो क्वेश्चन का एक एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रूशल होगा क्योंकि देखो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया जाएगा ना उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको right राइट की तरफ मुड़ने के लिए कहा जाएगा या लेफ्ट की तरफ मुड़ने के लिए कहा जाएगा या अपसाइड जाने के लिए कहा जाएगा डाउन साइड जाने के लिए कहा जाएगा या डायगनल पे चलने को कहा जाएगा तो स्टार्टिंग पोजिशन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन होती है डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर अब देखो एग्जामिनर ने क्या बोला कि मेडी ने अपने वेस्ट पर

टर्न हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक फोर्टी मीटर कहता है कि अब जो ये यहाँ पे मुड़ा था ना अब देखो यहाँ पे मुड़ा था एग्जामिन कह रहा है जब ये अब अपने अ, लेफ्ट के ऊपर मुड़ गया तो वहां से अब दोबारा दोबारा अपने लेफ्ट के ऊपर मुड़ा और फिर 40 मीटर चलना है यानी कि अब जब मैं यहां पे मुड़ चुका हूं तो मुझे अब वापस से क्या करना है अपने लेफ्ट के ऊपर चलना है और 40 मीटर चलना है देखो यहां पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अब ईस्ट में मुड़ा है कि अब में मुड़ा है कि वेस्ट वेस्ट मुड़ा है उसने स्टार्टिंग की आपको हिंट दी थी कि भाई वो वेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है जब वेस्ट से जर्नी स्टार्ट करी पहले वो कहां कहा मुड़ा है पहले वो सबसे पहले हमारे पास राइट साइड पे मुड़ा उसके बाद कहां कहा मुड़ा लेफ्ट साइड पर मुड़ा फिर कहां मुड़ा फिर दोबारा लेफ्ट साइड पर मुड़ा आपके लिए क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह की वर्डिंग्स के अंदर उसको शेप को ड्रॉ करो ताकि शेप समझना आसान हो जाए अब देखो आगे क्या कहता है ही नाउ टर्न टू दी लेफ्ट

बिल्कुल अपनी बैक साइड पे खड़े हो आपका मुंह पीछे की जाने वो आप जब मेरी बात को सुन रहे हो एज्यूम करो कि आप सपोज जिस भी डायरेक्शन में खड़े हो ना अपने आपको थ्री रोटेट मारो या अपने आपको बोलिए वन एटी रोटेट मारो कि आपकी डायरेक्शन बैक साइड पे हो जाए और खुद सोचो आपका राइट और लेफ्ट क्या होगा अब? आपका राइट क्या होगा ये वाला हाथ आपका राइट कहलाएगा और ये वाला हाथ आपका क्या कहलाएगा लेफ्ट कहलाएगा अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर आपका मुंह हुआ हुआ है सही है ना तो क्या कितने मीटर चला है लेफ्ट के ऊपर

पर्टिकुलर चीज को स्केल पे सोचो फिर अपने आप को देखो राइट right पे लेफ्ट पे क्या चीज बन रही होगी तो अब की बारी में दोबारा से लेफ्ट पे मुड़ गया अब कह रहा है एग्जामिनर बताओ स्केल के स्के कहा लाए कर रहा है अभी अब ईस्ट पे खड़े हो वेस्ट पे खड़े हो नॉर्थ पे खड़े हो साउथ पे खड़े हो जाहिर सी बात है ऊपर की जा, जानिब दिशा कौन सी होती है ऊपर की जानब दिशा कहलाती है मेरा बेटा नॉर्थ की तो इसका मतलब मैं फाइनली नॉर्थ के ऊपर खड़ा हूं इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा देखो बिल्कुल भी बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है थोड़ा सा आपने बस सोचना ईजिली कर सकते हो हमेशा याद रखो एक अच्छा बच्चा आई क्यू के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करता है अपने ने आपको इस प्लेस में सोचो कि यार मैं अगर वेस्ट पे खड़ा तो मेरा राइट साइड क्या होगा मेरा राइट साइड होगी अब मैं यहां पे पहुंच गया अब खुद सोचो मैं अभी नॉर्थ की जाने देख रहा हूं सीधा अभी मेरा राइट और लेफ्ट मुझे मुझे आप पे खड़े के डायरेक्शन में खड़े हो देखो राइट आपका ये मैं यहां पहुंच गया अब खुद सोचो अगर मैं डाउन खड़ा बैक साइड पर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट और राइट क्या होगा लेफ्ट ये होगा और फिर अगेन अगर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट क्या होगा मेरा मेरा लेफ्ट होगा और और फाइनली मैं पे पे पहुंच गया 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 स्केल क्या है North है नॉर्थ इस तरीके से be, me, तरीके से से क्वेश्चन क्वेश्चन हो हो सॉल्व देखो इट इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग कैन बी बट वेरी वेरी इजी इजी बिलीव मी आपने एक भी अगर समझ लिया में लगेंगे पहला तो क्वेश्चन हैं, हैं। है हाउस ओके okay? मुझे नहीं पता खातून का हाउस कहां पे था बट okay. फरमाता है किलोमीटर या या चले वेस्ट हाउस किलोमीटर अब देखो हमेशा याद रखो क्वेश्चन कभी भी पूरा पढ़ने की नीड नहीं है पूरा पढ़ना जो ही पढ़ सकते हो जितनी बात समझ में आती जाए उसको ड्रॉ करो अब देखो मुझे नहीं पता इन खातून का घर खातून ने अपना घर तो नहीं बताया ना मुझे मेरा घर पता है कहाजाम्पल ये मेरा हाउस है

अब मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूं तो मुझे कहां टर्न करना है कहां प्रासाना ने किया है लेफ्ट के ऊपर देखो मेरा राइट ये है ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट ये होगा नॉर्मल सी बात है तो भैया लेफ्ट के ऊपर कितना मूव किया है इसने मूव किया 20 किलोमीटर लेफ्ट के ऊपर तो मैंने 20 किलोमीटर ड्रॉ कर लिया अपने पास ये मैंने 20 किलोमीटर ड्रॉ कर लिया और साथ साथ में सिंबल लिखता जाऊंगा ताकि मेरे लिए बात समझना आसान हो जाए अच्छा आगे कहता है ही देन टर्न ईस्ट कहता है अब उसने क्या कर अब यहाँ पे उसने शेप आपको बता दी कहता है ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर कहता है कि भाई अब वो ईस्ट पे मुड़ गया किलोमीटर अब देखो एग्जामिनर कहता है कि भाई 20 किलोमीटर चलने के बाद अब वो फाइनली ईस्ट पे मूव कर रहे हैं देखो ईस्ट क्या होता है ईस्ट तो हमें वैसे ही मालूम है ईस्ट किसे कहते हैं ईस्ट इस साइड को तो कहते हैं और ईस्ट पे कितना ट्रेवल किया है ईस्ट के ऊपर ट्रेवल किया है पच्चीस किलोमीटर का तो यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्ट अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे खड़ा तो एग्जामिनर ने अब आपको डायरेक्शन नहीं बताया उसने क्या बोला डायरेक्टली ईस्ट पे मुड़ गया तो ईस्ट मुझे पता है भाई इस साइड पे ईस्ट होता है तो सिंपल तरीके से ईस्ट पे पच्चीस किलोमीटर हो गया आगे बड़ी मजे की बात कर रहा है एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर ट्वेंटी किलोमीटर कहता है कि भाई अब जब यहां पे वो पहुंच गया ना पच्चीस किलोमीटर ईस्ट पर ट्रेवल करने के और

डायरेक्शन इस जानेब की है इसका एरो देखो इसकी डायरेक्शन इस जानेब की तो ये डिस्टेंस तो आपस में तो दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं मेरा हाउस कहाँ पे है ऑब्वियसली मेरा हाउस यहाँ पर है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मुझे ये बताना है कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मैं वो मेरे घर से कितनी दूर खड़ा हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस पच्चीस था और घर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पंद्रह था तो जाहिर सी बात है मेरे जहाँ मैं खड़ा हुआ वहाँ से घर तक का डिस्टेंस कितना होगा दस किलोमीटर के बराबर होगा नॉर्मल सी बात है क्योंकि दस प्लस का पंद्रह क्या बन जाएगा पच्चीस बन जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा

नॉर्थ यहां पर है है ना साउथ यहां पर है ईस्ट यहां पर है वेस्ट यहां पर है तो अब जरा बात को समझो साउथ वेस्ट क्या होता है या नॉर्थ ईस्ट क्या होता है इसको क्या कहते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अक्सर आ जाती है देखो ये सिंबल हमारे आ गए कभी भी एग्जाम्पल अगर आपसे कह सपोज नॉर्थ ईस्ट तो भाई नॉर्थ ईस्ट कहीं पे अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है ये वाली डायरेक्शन सही है ना कहीं पे नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ आ जाए ये वाली डायरेक्शन है पे वा West, वाली कहीं पे लिखा हुआ आ जाए साउथ वेस्ट ऑब्वियसली ये वाली डायरेक्शन होगी कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ईस्ट साउथ ये वाली डायरेक्शन होगी कहीं लिखा हुआ आ जाए नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे होंगे कहीं लिखा हुआ आ जाए नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे होंगे ये बेसिक चीज है जो मालूम होनी चाहिए कभी भी अगर दो स्केलिंग के ऑप्शन को मिला के दिया जा रहा है इसका मतलब क्या उसके जाने बीच की लाइन आ रही है अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है बहुत ही मजे का एग्जामिनर क्या कह रहा है ए इज यानी कि ए कह रहा है ए की बात कर रहा है ए इज फोर्टी मीटर ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ दी बी अब देखो बात किसकी जा रही है ए की तो लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे बना लिया एग्जामिनर क्या कह रहा है जो बी है ना वो क्या है

दी साउथ ईस्ट ऑफ बी अब मुझे मालूम है साउथ ईस्ट एवली डायरेक्शन होती है तो सी के बारे में क्या कहा जा रहा है जो सी एक टर्म है ना जैसे सी एक प्लेस है वो बी के साउथ ईस्ट के ऊपर और ये भी किसके ऊपर है 40 मीटर के ऊपर है एग्जामिनर बता कहता है कि बताइए देन सी किस डायरेक्शन के ऊपर होगा आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर आपसे कह रहा है देन सी इज इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ ए एग्जामिनर क्या कह रहा है जरा बात पहले समझो 99 बच्चे जिस साल ये पेपर नष्ट के अंदर फास्ट में आए थे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें मांगा वाक्य है कुछ बच्चों को लग रहा था सर देखें ए तो सी के ईस्ट के ऊपर है और देखें सर सी से ए तो वेस्ट के ऊपर है तो सर क्या सेलेक्ट करेंगे ईस्ट वेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है बात जरा समझो एग्जामिनर पूछ क्या रहे एग्जामिनर कह रहे हैं देन सी सी बताओ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए यानी कि सी ए से किस डायरेक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं देखो तोड़ तोड़ के पढ़ो अगेन कह रहा हूं देन सी C...

साउथ uh, ईस्ट पे ट्रेवल करती है सेवन किलोमीटर तो भाई मैंने सबसे पहले डायग्राम बना दी कि सेवन किलोमीटर के ऊपर किलो अगेन अपने पास रेफरेंस लिख दिया करो बड़ी अच्छी चीज होगी कहां पे मूव किया है साउथ ईस्ट के ऊपर आगे कहता है एंड देन मूव टूवर्ड्स दी वेस्ट और उसके बाद वो अपने वेस्ट पर ट्रेवल कर गई कितना ट्रेवल कर गई फोर्टीन किलोमीटर का यानी कि भाई सुनाइया खड़ी हुई थी तो जाहिर सी बात है इधर से अगर सुनाइया खड़ी भी तो उनका वेस्ट क्या होगा ये वाले डायरेक्शन वेस्ट होगी नॉर्मल सी बात है ना कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा वेस्ट क्या होगा मेरा वेस्ट होगा वेस्ट मुझे मालूम है डायरेक्शन के अंदर होता है तो वेस्ट के ऊपर चौदह किलोमीटर वो ट्रेवल कर गई चौदह किलोमीटर कहां पे ट्रेवल कर गई अपने वेस्ट के ऊपर सही ना भाई मैंने वेस्ट यहाँ पे लिख दिया आगे कहता है फ्रॉम हेयर शी मूव टूवर्स दी नॉर्थ

क्वेश्चन के अंदर हर जगह पे मीटर होगा या किलोमीटर होगा सही है ना भाई तुम्हें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बाद में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो सर ये तो किलोमीटर और मीटर का डिफरेंस है भाई क्वेश्चन uh, में भंड है एरर है एक ही ऐसा यूनिट यूज हो रहा होगा ओके अच्छा क्या कह रहा है बंदा कि भाई आपके पास सिंपल तरीके एग्जाम क्या कह रहा है अभी अपने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर सेवन किलोमीटर ट्रेवल कर गई ओके तो इस तरीके से सेवन किलोमीटर कहाँ पे ट्रेवल कर गई नॉर्थ वेस्ट के ऊपर ये टेढ़ा क्यों मना क्योंकि देखो नॉर्थ और वेस्ट के दरमिया जो जगह होगी नॉर्थ वेस्ट है और कितना मूव करके गई है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे गई है सेवन किलोमीटर आगे कहता है

Uh, I... फिकेशन आ जाएगी कि भाई कहां पे कब मुड़ना था क्या करना था अगर आप क्रॉस चेक भी कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग तो तो कि चार किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो अपने क्या थी? ये वैसे बन गया तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी थी चौदह किलोमीटर थी टोटल लेंथ तो अगर चार किलोमीटर उसने ट्रेवल कर चुकी है तो भैया फिर कितना बज गया चौदह में से चौदह में से अगर चार को माइनस कर दिया जाए दस बज जाएगा यानी कि वो जिस जगह पे खड़ी हुई है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना

वॉक नॉर्थ वर्ड्स अच्छा ये बड़ा अच्छा एक इंग्लिश का जुम्ला विमिल वॉक नॉर्थ वर्ड्स अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे समझते हैं जो अपने मूव कर गए ना नॉर्थ के ऊपर क्या कर मूव कर गए तो यह मेरा नॉर्थ आ गया ओके आफ्टर टू हज राइट अब देखो अगर मैं इस डायरेक्शन पे खड़ा बिल्कुल सीधा तो मेरा राइट क्या होगा

इधर और आर इधर हो सकता है और एस और क्यू एक साथ हो सकते हैं इस तरीके से या एस और क्यू ऐसे करके हो सकते हैं सही ना दोनों स्रोते करेक्ट हो सकती हैं अब देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है एग्जामिनर कहता है कि भाई एस इज टू दी राइट ऑफ दी आर कि एस जो है ना एस जो बंदा है वो आर के राइट पे बैठा हुआ है S कहां पे बैठा हुआ है आर के राइट के ऊपर और आर जो है वो वेस्ट को फेस कर रहा है आर किसको फेस कर रहा है वेस्ट को अब देखो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आया ये एग्जांपल हमारी बनती है या ये डायग्राम हमारी बनती है सर ये आपने डायग्राम में बनाई कैसे देखो बात जरा समझते हैं बात बड़े मजे की है ये क्वेश्चन टेक्निकल है आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास चार लोग हैं ये हैं पी क्यू आर और एस इसमें वो कहता है कि भाई पी और आर की आपस में दोस्ती है पार्टनरशिप है क्यू और एस की आपस में दोस्ती है अब जाहिर सी बात है भाई हो सकता है पी P... और आर ऐसे करके राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर हो या फिर हो सकता है पी और आर ऊपर नीचे करके फॉर्म के अंदर हो रहे हो दोनों सूरतें पॉसिबल है ना इसी तरीके से देखो एस और क्यू की आपस में अगर दोस्ती है तो हो सकता है एस और क्यू ऊपर नीचे हो या फिर एस और क्यू राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर हो इन दोनों में से एक चीज पॉसिबल है मगर इन दोनों में से कौन सी डायग्राम सही है उसको अगली बात आइडेंटिफाई कर रही है हमारी कहता है एस जो है ना वो आर के राइट पे मौजूद है अब आर के बारे में क्या कहा जा रहा है आर जो है ना वो वेस्ट को फेस कर रहा है एग्जाम

पी कहां पे देख रहा होगा ईस्ट पे देख रहा होगा नॉर्मल सी बात है तो भाई अगर मेरे पास आर वेस्ट पे देख रहा है तो पी कहां पे देख रहा होगा ई e पे देख रहा होगा ईस्ट पे देख रहा होगा अब मेरे पास बचता है एस और क्यू देखिए मुझे ये बात मालूम है कि ये लोग क्या खेल रहे हैं कैरम कैरम में देखो आर यहां पर है पी यहां पर है एस यहां पर है क्यू यहां पर है अब देखो एस की डायरेक्शन क्या होगी जाहिर सी बात है एस जब कैरम खेल रहे तो उसके डायरेक्शन नीचे की जाने पर होगी और क्यू की डायरेक्शन क्या होगी सामने की जानेब होगी तो अगर एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है तो क्यू किसको फेस कर रहा है भैया क्यू नॉर्थ को फेस कर रहा है क्यों किसको फेस कर रहा है बेटा क्यों नॉर्थ को फेस कर रहा है कैसे समझा दोबारा समझ लीजिए है, है, है अब आप तमाम लोगों को मालूम है कि भाई कैरम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ हमारे पास इस तरह का होता है सही है ना भाई जाहिर सी बात है एक बंदा इधर होगा एक इधर होगा एक इधर होगा एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास जोड़ी है पी और आर की आपस में जोड़ी है क्यू और एस

आइए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं एग्जामिनर कहता है टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम दी अपोजिट पॉइंट एट अ मेन रोड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा नस्ट में फास्ट में बेतहाशा आया हुआ है एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भाई हमारे पास एक पॉइंट्स हैं दो पॉइंट्स हैं जहां से दो बसेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन स्टार्ट हुई है चलना स्टार्ट हुई है टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ अ मेन रोड यानी कि देखो लेट्स सपोज ये पहला पॉइंट है ये पी इसको कह देता हूं ये पी है मेरे पास इन दो पॉइंट्स से हमारे पास जो बसेस हैं वो आपस में चलना स्टार्ट हुई हैं यानी कि दो बसेस हमारे पास क्या हुई हैं इन दो पॉइंट्स से चलना स्टार्ट हुई हैं है ना भाई दो बसेस हमारे पास सिंपल तरीके से दो पॉइंट चलना स्टार्ट हुई हैं

इसके बाद ये राइट साइड की ओर 25 किलोमीटर इसने ट्रेवल करा अब देखो मैं नॉर्थ की जानब खड़ा हुआ आगे कहता है इट देन टर्न्स लेफ्ट

तो बेटा जल्दी से मैं क्वेश्चन को जरा री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कहता है कि भाई सबसे पहले तुम्हारे पास जो दो बसेस है ना ये आपस में एक दूसरे की जाने बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब क्या होता है एक दूसरे की जाने बढ़ रही है तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई दो बसे एक दूसरे की जाने बढ़ रही है जिनमें से पहली बस पच्चीस किलोमीटर पहले चलती है पच्चीस किलोमीटर चलने के बाद वो अपने राइट के ऊपर टर्न टर्न कर कर जाती है। कर जाती है है किस राइट के ऊपर राइट के ऊपर वो पंद्रह किलोमीटर चलती है और फिर वो अपने लेफ्ट पर टर्न करती है पच्चीस किलोमीटर चलती है फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल मेन रोड के ऊपर आ जाती है और मेन रोड के ऊपर पहुंच जाती है सभी तो बस खड़ी हुई है आगे से कहते है जो दूसरी बस थी ना वो खाली पैंतीस किलोमीटर चली तो एग्जामिनर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि अब इन दोनों बसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है तो पहले तो बेटा मैं हम क्या करेंगे बस वन का टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे उसने कवर किया ऑन दी मेन रोड हम ये वाले डिस्टेंस एक्सक्लूड कर देंगे जो उसने एक पतली सी गली के अंदर राइट जाने में या लेफ्ट जाने में जाया किया। हम उस डिस्टेंस को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि मेन रोड के ऊपर डिस्टेंस नहीं है हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है इन दोनों बसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है अभी देखो ये पहली बस यहाँ पे खड़ी हुई है दूसरी बस यहां पे खड़ी हुई है तो देखो ऑरिजनली यहां से यहां तक का कितना

is located on the green lake. The town of Akram is west of the Peranda. Okay. मेरे पास कोई town है मुझे नहीं पता भाई. Let's suppose ये town of Peranda आ रहा है. क्या आ रहा है? Town of Peranda. Examiner कहता है that town of Peranda is located on the green lake. Okay. Where is the green lake? I don't even know. Okay. आगे examiner कह रहा है the town of Akram is west of the Peranda. यानी के भाई ये जो भी town of Peranda जहाँ मौजूद है ना इसके west के ऊपर town of Akram मौजूद है. अगर town of Peranda for example let's suppose मैंने suppose कर लिया ये वो town of ऑफ अक्रम कहां होगा इसके वेस्ट के ऊपर भाई वेस्ट के ऊपर ये वाली जगह होती है ना तो वेस्ट के ऊपर टाउन ऑफ अक्रम मौजूद है टाउन ऑफ अक्रम इसके वेस्ट पे मौजूद है आगे एग्जामिनर कहता है टोकाटा इज ईस्ट ऑफ अक्रम टोकाटा इज द ईस्ट ऑफ ओके एग्जामिनर कह रहे टोकाडा एक और टाउन है जो कि ईस्ट है अक्रम के मगर वेस्ट है परांडा के नॉर्मल सी बात है इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों के दरमियान आ रहा है कैसे भी समझा देता हूं एग्जामिनर कह कि भाई टोकाडा हमारे पास एक और टाउन है जो कि देखो अक्रम टाउन के तो ईस्ट के ऊपर है मगर परांडा टाउन के वेस्ट के ऊपर है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी यानी कि हमने सही जगह पर रखा है क्योंकि देखो सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कहा था सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा था एक टाउन है दुनिया में परांडा जो प्रांडा का टाउन है ना उससे अगर आप वेस्ट के ऊपर चले जाओ पूरा तो आपको टाउन ऑफ अक्रम मिल जाएगा आगे एग्जामिनर कहता है टाउन ऑफ अक्रम के ईस्ट के ऊपर टाउन ऑफ अक्रम के ईस्ट के ऊपर टाउन ऑफ टोकाडा मौजूद है जो के ईस्ट के ऊपर है अक्रम के मगर वेस्ट के ऊपर है परांडा के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आगे कहता है ककरान इज ईस्ट ऑफ बोपरी ककरान जो है ना एक और टाउन आ रहा है कहता है, ये के है बोपरी के, और बोपरी मगर वेस्ट है के। अब इसको रहा। ये लिख लेते हैं। जो ककार है ना एक और टाउन आ रहा है और ये ईस्ट के ऊपर बोपरी के किसके ऊपर है ईस्ट के ऊपर है बोपरी के अच्छा भाई अब बोपरी का है मुझे पहले देखना पड़ेगा अगर ये ईस्ट के ऊपर है बोपरी के तो इसका मतलब क्या हुआ ये बोपरी के ईस्ट ऊपर तो बोपरी मजबी संवर हिपरी मजबी क्योंकि बोपरी के ईस्ट के ऊपर ये कारान का गांव आ रहा है आगे कहता है मगर मगर वेस्ट है टोकाडा से और अक्रम से टाउन ऑफ बोपरी जो है टाउन ऑफ बोपरी जो है ईस्ट के ऊपर है काकरान से यानी कि काकरान जो है ना ये ईस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है हमारे पास बोपरी के टाउन से देखो इस क्वेश्चन की खास बात यही इस क्वेश्चन में टाउन के नेम देके आपको घुमाया जा रहा है आपको टाउन कंफ्यूज किया जा रहा होगा बट कंफ्यूज आपके कंफ्यूजना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एग्जामिनर ने देखो आगे क्या कहा काकरान के गांव के बारे में काकरान के विलेज के बारे में ककरान के शहर के बारे में बता रहा है कि काकरान का जो सिटी है ना यह का जो टाउन है वो ईस्ट के ऊपर है बोपरी के तो बोपरी से ईस्ट के ऊपर जाहिर सी बात है ईस्ट क्या होगा ईस्ट मेरे पास ये वाली जगह होती है ये डायरेक्शन ईस्ट की होती है ये ईस्ट के है के। बोप्री के ऊपर है 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 मगर बारे में बताया जा रहा कि बोप्री जो है ना टोकाडा और अक्रम के वेस्ट के ऊपर है। But west of अकरम, तो I can assume कि भाई का गांव ये ये रहा, अकरम का ये रहा। का गांव इन दोनों के किसके ऊपर है? इन दोनों के वेस्ट के ऊपर आ अगर तुम जाओगे बोपरी का टाउन मिल जाएगा और ये करण का जो गांव है जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास हैकरण का गांव था ये बोपरी के ईस्ट के ऊपर था तो एग्जामिनर पहले बोपरी समझ लो पहले काकरण को बेशक गायब कर दो पहले बोपरी समझो बोपरी के बारे में एग्जामिनर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये ईस्ट ऑफ 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 बट इज वेस्ट एंड जरा बात समझो ने कंफ्यूज करने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है एग्जामिनर क्या कह रहा है बोपरी जो तुम्हारे पास आ रहा है ना ये अर्रम और टोकाडा के वेस्ट के ऊपर है तो वेस्ट के ऊपर आ गया अब मैंने बोपरी को यहाँ पे बना दिया तो भैया काकरान क्या था काकरान बेसिकली

कि मेरे पास एक टाउन है परांदा का मैंने उसको अब खुद से बना दिया आगे कह रहा है कि भाई एक और टाउन है अकरम का गांव है और ये अकरम का जो गांव है ना ये अकरम का जो गांव है टाउन है, विलेज है, ये वेस्ट के करता है परांदा से. तो ओके सिंपल तो सी बात है आगे कहता मतलब है टोकाडा इज ईस्ट ऑफ अक्रम बट वेस्ट ऑफ परांडा यानी कि टोकाडा जो एक गाँव है ना टोकाडा एक गाँव है और वो गाँव अक्रम से अगर मैं ईस्ट पे जाऊं तो भाई अक्रम से अगर मैं ईस्ट पे चला गया आगे

आगे बड़ी मजे की बात कर रहा है कहता है कि भाई काकरन जो है ना ईस्ट के ऊपर है भोपरी के मगर वेस्ट के ऊपर है टोकारडा और अकरम के आगे इसने बड़ी मजे की बात करी आगे इसने काकरन के बारे में क्या बता रहे कि काकरन जो है ना ये भोपरी के ईस्ट के ऊपर है मगर इसका वेस्ट लगता है टोकाडा और अक्रम के साथ तो भाई देखो टोकाडा ये हमारे पास टोकाडा ये रहा अक्रम ये रहा तो इन दोनों का वेस्ट क्या होगा इन दोनों का वेस्ट इस जाने बात है तो मेरे से क्या कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो काकारन का गांव है ना ये तुम्हारे पास टोकाडा और अक्रम के गांव से वेस्ट के ऊपर था सही है ना भाई तो सिंपल तरीके से यानी कि हमारे पास काकारन यहां लाए कर रहे अब आगे कहीं बोपरी का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब बोपरी की कंडीशन उसने ऑलरेडी हमें दे चुका है कि बोपरी क्या है बोपरी ईस्ट के ऊपर था बोपरी हमारे पास बोपरी से जो काकारन का रास्ता है वो

में एडमिशन लेना जरूरी है भाई ओके ऐसी नहीं कि अम्मा अब्बा को बगैर निकल जो जूते मारे क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है अरुण बॉक्स ट्वेंटी मीटर्स टूवर्ड्स दी नॉर्थ अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फास्ट में आया हुआ है अरुण बॉक्स ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स दी नॉर्थ

राइट right. आगे बड़े मजे की बात कह रहे हैं है, यहां पे पहुंचने के बाद right राइट किया मगर कितना बेटा ये पोजिशन है मेरे पास सिंपल तरीके साउथ की अपने आपको साउथ के शूज में रखो और खुद देखो भाई कहां पे आपका राइट right पड़ेगा आपका राइट ऑब्वियसली पड़ेगा इस साइड के ऊपर तो हमारे राइट right के ऊपर क्या करा ट्वेंटी मीटर्स फर्दर ट्रेवल

होगा विद इन सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं अच्छा तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट इज अ वेरी क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में पास में बहुत आया हुआ एग्जामिनर कहता है, हबी बी ऑल्दो लिखा हुआ हबी बट मैं हबी भी कहूंगा हबी बी फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू द वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स ही टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर्स अब यहां पे आपको कहीं भी नहीं बताया हुआ एक्स कहां लाए करता है वाई कहां लाए करता है आपकी चॉइस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे ड्रॉ कर लो

अगेन टर्न राइट अपने आप को अगेन शूज में डायरेक्शन पे मूव कर लो जल्दी से अपने ईस्ट के ऊपर राइट क्या पड़ेगा, राइट पड़ेगा इस साइड के ऊपर तो ट्रेवल करा कितना ट्रेवल करा एंड बॉक सेवेंटी मीटर्स यानी कि ईस्ट के ऊपर से अपने को जब इसने नीचे राइट साइड किया यहां से तो भैया राइट साइड करने पे कितना चला सेवेंटी मीटर है आगे कहता है फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक फिफ्टी मीटर्स कहता है कि भाई फाइनली ये अपने वापस से कहां पे मुड़ गया ये वापस से मुड़ गया अपने राइट के ऊपर अब आप सोचो आप यहाँ पे खड़े हुए कहाँ पे खड़े हुए साउथ की जाने साउथ से अब जरा अपने जल्दी से सोचो साउथ से आपका राइट क्या होगा अपने आपको टेढ़ा करो उल्टा करो जब तक आप शूज के अंदर नहीं आओगे आप नहीं समझ कि डायरेक्शन क्या है अपने आपको उल्टा करो और सोचो आपका

कितने डिस्टेंस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है दस मीटर शॉर्ट है सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया मुझे बताइए लोग कहते हैं आईक्यू मुश्किल है भाई बताओ ना आईक्यू में क्या चीज मुश्किल है बताइए आईक्यू के अंदर क्या चीज आपको मुश्किल लगती है बोलो भाई आसान है कि नहीं आसान आप बोलोगे सर आसान है अरे भाई आसान नहीं है अपने दोस्तों से पूछिएगा रोते होंगे आईक्यू को लेकर नस के अंदर आपके नंबर उनके दस में से छे आते होंगे चार आते होंगे उन्हें लेक्चर शेयर करिएगा फास्ट में नंबर आपके पास तीस में से या बीस में से आपके पास चार आते होंगे उनको लेक्चर शेयर करिएगा भाई ये मुफ्ते के नंबर है आईक्यू आईक्यू का सेक्शन ही ऐसा होता है जो मुफ्त के नंबर आपको देता है अक्सर बच्चे मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड जब नस्का शेयर करते हैं ना तो बताए क्या कहते हैं सर देखिए मैथ्स में अच्छे आए हैं फिजिक्स में कम आए हैं सर वो आई मत देखिए आप आई में चार नंबर है बेटा परसेंटेज वाइज इसकी परसेंटेज देखो कितना इंपैक्ट डाल रही है आई में अगर आप चार नंबर या तीन नंबर लेकर आ रहे हो इसका मतलब आई के सेक्शन में खाली आपकी

अगर तो मैथ्स में किसी के नंबर ज्यादा हुए उसको वो सीट मिल जाएगी। अगर ज्यादा नहीं हुए, या दोनों के में से हुए फिर आईक्यू का, का देखा जाएगा तो याद रखिएगा हर सेक्शन में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए या तो आप फिर वन प्लस लेकर आओ आईक्यू में जीरो मुझे मसला नहीं है बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना जिस बच्चे की अगर आएंगे आईक्यू डी होगी थोड़ी सी और अगर आप आईक्यू के अंदर वीक हो तो खुदा आपके लिए भैया आईक्यू में कोई भी बंदा हंड्रेड नहीं

इस्लामाबाद की फास्ट वहां पे तो बेतहाशा कंपटीशन होता है एक एक नंबर का कराची और पेशावर में तो चलो फिर भी जो है लोअर मार्जिन के ऊपर भी एडमिशन हो रहा होता है मगर इस्लामाबाद की और फैसलाबाद की और लाहौर की जो फास्ट यूनिवर्सिटीज है वहां पर कंपिटीशन के ऊपर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव नंबर के ऊपर सीट्स निकलते हुए बेटा देखी भी है सया ना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे एग्जामिनर कहता है अ गर्ल्स लीव फ्रॉम अर होम अगेन मुझे नहीं पता इन खातून का घर कहां पे तैयार मैंने अपनी मर्जी से घर डिसाइड कर लिया बेचारी होमलेस खातून है मैंने इनका घर डिसाइड कर लिया एग्जामिनर कहता है कि अगर लीव्स फ्रॉम अर होम She first walks 30 meters of northwest direction. अगेन देखो कभी परेशान हो जाओ जुमले के अंदर हमेशा डायरेक्शन को ड्रॉ कर लो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट एग्जामिनर क्या कह रहा है कहां ट्रेवल किया इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान की जगह एग्जामिनर कहता है कि भाई अपने घर से निकलने के बाद अपने घर को खैराबाद कहने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर मूव कर गई तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे खातून गई है और कितना ट्रेवल किया इन्होंने मीटर्स का ट्रेवलिंग किया आगे कहता है एंड देन थर्टी मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन अब देखो थर्टी मीटर्स कहां पे ट्रेवल किया साउथ वेस्ट के ऊपर साउथ वेस्ट देखो ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट और साउथ के तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया मेरा बेटा थर्टी मीटर्स इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो थर्टी मीटर्स इन्होंने कहा ट्रेवल किया थर्टी इन्होंने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर लिया अगेन मैं अपने आपको जरा वेस्ट पे शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा सही है ना भाई एंड देन अपने आपको उन्होंने थर्टी मीटर्स कहां पे शिफ्ट किया साउथ वेस्ट के ऊपर आगे कहता है नेक्स्ट शी वॉक्स थर्टी मीटर्स इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहता है आगे ये साउथ ईस्ट के ऊपर अब गई है देखो साउथ ईस्ट कौन सा होगा बेटा ये वाला होगा साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट के दरमियान वाला वहां पर उन्होंने कितना ट्रेवल करा है थर्टी मीटर्स यानी कि साउथ ईस्ट के ऊपर अभी ट्रेवल कर रही है साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है इसके ऊपर उन्होंने थर्टी मीटर्स को ट्रेवल किया और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया आगे कहता है फाइनली शी टर्स टू द हाउस इन वॉट डायरेक्शन मूवी आगे मासूमिया

टर्स टू लेफ्ट कहता है क्रॉसिंग आ रही है, आ रही है. तो, ने यहां से कहा जाने पर खड़े, हो, जाने खड़े हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा और राइट right क्या होगा देखो गौर से देख रहे हैं हम लोगों ने क्या कह रहा है पर्टिकुलरली बंदा जो खड़ा हुआ है ना वो अपने कहां पर खड़ा हुआ आप उसके ऊपर एंड इन दिएटर कहता है

Uh, currently standing on the east point. I am currently standing here. So, what will be my right? What will be my right? So obviously, my right will be the downward. राइट साइड बी दी डाउन बोर्ड तो मेरी राइट साइड क्या होगी बेटा right होगी और राइट साइड पर कितना करा है ट्वेंटी का ट्रेवल करते है. तो हैं ताकि आप लोगों को समझने की आसानी हो जाए तो भैया राइट साइड करा आगे कहता है right क्वेश्चन आ रहा है कि अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है पुटियोर सेल्फ एन एज तो भैया यहाँ पे अगर खड़ा हुआ है तो साउथ पे खड़ा हुआ है साउथ पे खड़े होने के ऊपर अगेन राइट साइड पर टर्न कर रहा हूं तो ऑब्वियली आई विल बी मूव

नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है एग्जामिनर कहता है गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस कि भैया गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस रधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज़ अराउंड 20 मीटर याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं।, नहीं है कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा क्वेश्चन आधा पहले एक लाइन पढ़ो एक सेंटेंस पढ़ो उसको बनाओ

स्टार्ट कर दी एंड आई नो दिस थिंग इनका घर कहां पे था इनका घर यहां पे था तो शेप मेरे पास इस तरीके की बन रही होगी सही है ना और एक किस डायरेक्शन में बाय द वे मूव कर रही है शी इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे कि देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ तो डायरेक्शन कौन सी होगी नॉर्थ वेस्ट ओके अच्छा एग्जामिनर ने पूछा हुआ था बाय मैं मैंने तो खाली ये चीज आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा था एग्जामिनर ने पूछा यही है मैंने बा खुद अगला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था मैं तो खाली आपको ये वाली डायरेक्शन बताना चाह रहा था तो भाई एग्जामिनर क्या पूछ रहे अब जब इन्होंने अपने घर की जाने मूव करा तो डायरेक्शन क्या होगी तो जाहिर सी बात है बेटा ये वाली डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन कौन सी कहलाती है देखो ये डायरेक्शन क्या होगी ये इस तरह की तिरछी डायरेक्शन कहां पे आएगी नॉर्थ और वेस्ट के ऊपर तो जाहिर सी बात है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहला रही होगी मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है मुझे बताओ आईक्यू में हंड्रेड और हंड्रेड नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे तो भी अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप group के ग्रुप्स के ऊपर अपने कजन के ग्रुप के ऊपर आदमी शेयर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है एग्जामिनर कहता है इफ ए इज दी साउथ ऑफ बी एंड सी अच्छा ओके इफ ए इज दी साउथ ऑफ बी मैंने क्या कहा था देखो क्वेश्चन पूरा मत पढ़ा करो उससे कंफ्यूज हो जाता हूं देखो मैं भी हो जाता हूं सिंपल सी बात है मगर क्वेश्चन बड़ा मजे का है एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारे पास ए क्या है एक पॉइंट है ए क्या है एक पॉइंट है ए इज टू दी साउथ ऑफ बी अब जरा बात समझो देखो इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ो रहा है, क्या है? A, के पे लाए करता है। तो भैया इसका मतलब क्या है लाए कर रहा तो बी के साउथ के ऊपर के है के सी के, 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 के बारे में क्या कहता है सी जो है ना वो बी के ईस्ट के ऊपर है कि अगर मैं बी से ईस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे सी मिल रहा होगा इन वॉट डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी कहता है किस डायरेक्शन में ए लाए कर

अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कहता है सरन वन सरन वन माशाला से बड़ा खूबसूरत नाम है सरन वन स्टार्ट वॉक टूवर्ड्स द ईस्ट स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द ईस्ट अब देखो एक साहब है सरन वरन जिस तरह हाशिम एक साहब का नाम हो सकता है सरन वरन एक साहब का नाम है तो सरन वरन साहब जो है ना वो अपने ईस्ट के ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं हमें मालूम है ईस्ट इस्ट जाने और ईस्ट के ऊपर कितना ट्रेवल कर रहे हैं इट्स नॉट मेंशन आगे लिखा हुआ है आफ्टर वॉकिंग सेवेंटी फाइव मीटर जाहिर सी बात है सेवेंटी फाइव मीटर इन्होंने कहां पर ट्रेवल करा अपने ईस्ट के ऊपर कहता है ही टर्स टू दी लेफ्ट नाउ पुट यूर सेल्फ इन एर शूज तो आप कहां पे खड़े हुए बेटा आप ईस्ट के ऊपर खड़े हुए ईस्ट के ऊपर अपनी डायरेक्शन करके खुद देखो कि भाई आपका लेफ्ट क्या बनेगा आपका लेफ्ट ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं ईस्ट पे खड़ा हूं तो अपर की जाने बन रहा होगा तो ऊपर की जाने भी ये लेफ्ट के ऊपर टर्न कर गए अपने लेफ्ट के ऊपर टर्न करने के बाद कितने चले है एंड बॉक्स ट्वेंटी फाइव मीटर्स एट स्ट्रेट और ये ट्वेंटी फाइव मीटर्स अपने लेफ्ट पे मूव कर गए ओके अगेन ही टर्न टू लेफ्ट अब देखो आप नॉर्थ पे खड़े हुए पुट योर सेल्फ इन एर शूज तो भैया आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो भाई आप यहाँ पे अगर खड़े हुए हो तो सिंपल तरीके से आप कहा मूव कर रहे हो एंड

जाने बन रहा होगा तो लेफ्ट के ऊपर कितना चले लेफ्ट के ऊपर चले पच्चीस मीटर

के ऊपर टर्न करने के बाद फिर ये वापस 25 मीटर नीचे आया अब एग्जामिनर कह रहे है कि भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा देखो ये 75 का ओवरऑल डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस 40 का 75 में से 40 को माइनस कर दोगे यू विल गेट दोट आंसर डेट विल थर्टी फाइव अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है मार्क कर लो नस्ट और फास्ट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं अब की बारी में एग्जामिनर अपना हवाला देके कहता है आई एम फेसिंग दी साउथ एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैं साउथ को देख रहा हूं यानी कि मैं जो हूं ना मैं मैं साउथ की जाने देख रहा हूं इसने ये नहीं बोला कि मैंने डिस्टेंस को ट्रेवल करा है इसने सिंपल क्या बोला है कि भाई मैं साउथ पे खड़ा हुआ था यानी कि मैं भी कहां पे खड़ा हूं साउथ पे इसने बोला कि भाई मैं साउथ को फेस कर रहा हूं तो करोर सेल्फ इन माई शूज कि भाई मैं कहां पे खड़ा हूं मैं साउथ पे खड़ा हूं आगे कहता है आई टर्न राइट एंड बॉक्स ट्वेंटी मीटर कि मैं साउथ के ऊपर जो खड़ा हुआ था ना अभी खड़ा हुआ था मैं वहां से राइट मुड़ता तो मेरा राइट क्या होगा बेटा ऑब्वियसली सी बात है मेरा राइट जो होगा ना इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा और राइट पे टर्न

ये यहाँ पे लेफ्ट पे खड़ा हुआ था लेफ्ट से क्या किया इसने लेफ्ट से इसने सिंपल तरीके से इस पॉइंट पे खड़ा हुआ था ना इस राइट के ऊपर होगा अगर मैं वेस्ट पे खड़ा हूं तो मेरा ऊपर right के जाने में और राइट right पे मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूँ ट्वेंटी मीटर्स को राइट right पे ट्रेवल कर रहा हूँ ओके okay. आगे कहता है right यानी कि मैंने अगेन अपनी दिशा को बदला और राइट के ऊपर

और ये वाली जगह कौन सी होगी मेरे पास ये वाली जगह सिंपल तरीके से हमारे पास होगी अल्लाह भला करे किसके बराबर नॉर्थ ईस्ट के बराबर क्योंकि देखो नॉर्थ अगर मेरे पास इधर है ईस्ट मेरे पास इधर है तो ये वाली जगह जो होगी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही होगी क्योंकि एग्जामिनर ने क्या कहा इन विच डायरेक्शन आई एम मैं किस डायरेक्शन के ऊपर खड़ा हूं ये क्या चीज पूछ रहा है बहुत सारे बच्चे इसको साउथ साउथ वेस्ट कह देंगे भैया आंसर साउथ वेस्ट नहीं है या नॉर्थ वेस्ट नहीं है और यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ साउथ वेस्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं है बट ये हो सकता था जिस साल ये क्वेश्चन फास्ट और नस्ट में आया वहां पर साउथ वेस्ट का ऑप्शन गिवन था

कि भैया मैं अगर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मूव करूं तो बताइए कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूं ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है बहुत दफा इस तरह के उसके ऊपर कि अगर मैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ गया तो भैया आप मुझे बताओ अगर मैं वापस सॉरी नॉट ऑन स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं वापस आ गया तीस किलोमीटर मैंने वापस ट्रेवल कर लिया तो जाहिर सी बात है इस पूरी जगह की लेंथ तीस मीटर थी तो वापस अगर एग्जाम में तीस मीटर नीचे ट्रेवल करवा देता है इसको फिर पूछता कि स्टार्टिंग से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से और जिस पॉइंट पे मैं एंड करूँ वहां पे कितना डिस्टेंस होगा तो वो आप कैसे निकालते कि पहले इस दस मीटर को और इस बीस मीटर को आप

अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कहता है रोहित वॉक 25 मीटर्स ट्वेंटी साउथ रोहित हमारे पास एक साहब है uh, रोहित साहब कौन है भैया जो कि 25 फाइव मीटर अपने साउथ पे ट्रेवल कर गए रोहित साहब थे इन्होंने 25 फाइव मीटर अपने साउथ के ऊपर ट्रेवल किया 25 फाइव मीटर्स कहां पर ट्रेवल किया साउथ के ऊपर देन ही टर्स टू हिज लेफ्ट और फिर अपने लेफ्ट के ऊपर टर्न कर गए पुट योर सेल्फ इन दी रोहित शूज के भाई रोहित इस तरफ अगर मुंह करके खड़े में तो जल्दी से साहब इधर इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और बताओ कि भाई आपका लेफ्ट क्या होगा जाहिर सी बात अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो बेटा मेरा लेफ्ट

कि भाई एक्स और वाई हमारे पास दो जगहें हैं जहां एक दूसरे खिलाफ लोगों ने चलना स्टार्ट करा तो बात को समझेंगे एग्जामिनर क्या कहता है अगेन आपको नहीं पता एक्स कहां करता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो भाई एक्स और वाई दो हैं जिन्होंने आपस में चलना स्टार्ट करा है। है ना अच्छा आगे क्या कहता है ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है ये दोनों एक दूसरे से 200 मीटर के फासले पे लाए करते हैं भाई ये दोनों जो है ना साहब ये दोनों साहब एक दूसरे से 200 मीटर के फासले पे डिस्टेंस रखते हैं यानी कि इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है दो मीटर का आगे एग्जामिनर कहता है आफ्टर वॉकिंग सिक्सटी मीटर्स द बी टर्न लेफ्ट अब देखो बी तो यहाँ पे कहीं था ही नहीं बी खुद आ गया इसका मतलब क्या एग्जामिनर इज जस्ट कंफ्यूजिंग यू आप सिंपल तरीके से एक्स को पॉइंट ए के नाम से बुला लो

रूट के ऊपर आ गया तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर इतना डिस्टेंस 20 मीटर तो नीचे भी इतना डिस्टेंस क्या होगा 20 मीटर ही होगा आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर आगे बड़े मजे की बात कर रहा है जो क्वेश्चन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है आगे कहता है ऑन विच इफ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाउ फार आर बोथ ऑफ देम नाउ Examiner की बात समझो Examiner कह रहा है कि अगर देखो, सबसे पहले आपको चूंकि बी का डेटा ज्यादा गेवे है तो मैं बी की पहले बात कर लेता हूँ देखो बी ने पहले क्या करा सिक्सटी मीटर बी नीचे आया है सही है ना उसके बाद बी राइट हैंड साइड के ऊपर क्या गया है ट्वेंटी मीटर गया है उसके बाद जो बी ने और नीचे आया फिर 40 मीटर नीचे आया बी यानी कि 60 मीटर पहले नीचे आया फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड गया है, 20 मीटर यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर गया सही है ना फिर अगेन 40 मीटर नीचे आया है और फिर

टूवर्ड्स ए की जाने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया सिर्फ 100 मीटर्स का बी जो ए की जानेब आया है वो कितना आया है यानी कि बी साहब जो ए की जानेब आए वो सिर्फ 100 मीटर आए अब एग्जामिनर आपसे चाह एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर ए बी बी की स्पीड पे ही चल रहा था तो बताइए डिस्टेंस क्या है एग्जामिनर ने देखो खूबसूरती क्या है इस क्वेश्चन की क्यों मैंने कहा था क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहा था कि जो ए वाला पॉइंट है अपनी जगह पे स्टॉप पड़ा हुआ है एग्जामिनर कह रहा है कि ए बी जो है ना अपनी धन में मगन है ए बी मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है ए

के अंदर स्कूल के अंदर फास्ट के अंदर बेतहाशा आए हुए हैं अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे का क्वेश्चन है डायरेक्शन के ऊपर एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है

भी है तो ये अपने अब अप लेफ्ट के ऊपर टर्न कर गई तो मेरा लेफ्ट क्या होगा भाई put yourself in her shoes अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि आप अगर साउथ पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा जाहिर सी बात है योर लेफ्ट विल बी दिस सही है ना भाई तो आप अपने लेफ्ट के ऊपर टर्न करने के बाद इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा है 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा है अपने लेफ्ट पे टर्न करने के बाद आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है एंड देन टू देव टूवर्ड राइट अब देखो अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं ये ईस्ट की डायरेक्शन होती है इस जगह के ऊपर मेरा राइट क्या होगा जाहिर सी बात है मेरा राइट नीचे की जाने गिर रहा होगा तो मेरा राइट ये आ गया तो सर क्या कहता है कि भाई अपने राइट के ऊपर टर्न कर गई और आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी मीटर और राइट के ऊपर मूव करने के बाद भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराए 20 मीटर्स का आगे कहता है he turns, he turns to the right and walks 20 meter now. कहता है कि अब फर्दर वो अपने राइट right के ऊपर मूव कर गई अब वो फर्दर अपने राइट right पे मूव कर गई तो देखो अगर मैं साउथ पे खड़ा हुआ अगर मैं अब कहां पे खड़ा हुआ साउथ पे तो बेटा मेरा राइट right क्या होगा ऑब्वियसली मेरा राइट right इस जाने वाला होगा अगेन देखो बेटा

करने के बाद ट्वेंटी मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करा आगे जो बात कह रहे हैं ना एग्जामिनर असल क्वेश्चन इस चीज का है कहता है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन ही इज नाउ अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों कहा था इंपॉर्टेंट है भी आपको समझ में आएगा हाउ फार वाली चीज तो बहुत आसान है कि देखो अब मैं फाइनली जो मेरी लैंडिंग पोजीशन है या मेरी एंडिंग पोजीशन है वो यहां की है ओरिजिनली चलना कहां से स्टार्ट करा था सूर्या साहेबा ने सूर्या साहब के जो मर्द थे उन्होंने चलना यहां से स्टार्ट किया था तो भैया मुझे यहां से लेके यहां तक की अपनी लेंथ बतानी है मैं किस डायरेक्शन पे खड़ा हूं या किस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मैं मौजूद हूं यानी कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है तो भाई देखो कैसे निकालूंगा मुझे मालूम है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 मीटर्स है और ये वाला पूरा का पूरा 20 था तो इन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया था इन्होंने ट्रेवल कर लिया था 10 मीटर्स. मीटर्स हाँ, 10 मीटर्स किया था ना आई गेस हां एंड मूव द डिस्टेंस ऑफ टेन मीटर 10 मीटर्स ट्रेवल किया हुआ है यानी कि टोटल पूरा ऊपर से नीचे 20 था और ये यहां पे खड़ी हुई है जो कि 10 मीटर्स का था तो अगर मैं ऊपर वाला ऐड कर दूं 10 मीटर्स और ये वाला ऐड कर दूं 10 मीटर्स तो कितनी दूर है ये अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस क्या है 20 मीटर का है कैसे निकाला

स्टार्टिंग पॉइंट से कहा लाई कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा ये क्वेश्चन का अक्सर बच्चों आंसर लगा के आ जाएंगे नॉर्थ के ऊपर या साउथ के ऊपर करेक्ट कौन सा आंसर होगा कैसे पिक करोगे समझो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ फार

की एंडिंग की जो डायरेक्शन है ओके okay, डायरेक्शन की है कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट अबव था और एंडिंग पॉइंट नीचे था तो इसका मतलब क्या हुआ ये साउथ के ऊपर है कहां पर है साउथ क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से तो साउथ के ऊपर है ना एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये आ रहा है ये सूर्या साहिबा स्टार्टिंग जब चलना स्टार्ट किया था और ये इनकी एंडिंग लोकेशन है यानी कि जहां ये खातून आ, ये, ये मर्द साहब थक हार के बैठ गए तो अब देखो ये जो एंडिंग पोजीशन है ये स्टार्टिंग पोजीशन के रेफरेंस से कहां पे आ रही है नीचे आ रही है starting position है ending position है स्टार्टिंग पोजीशन पोजीशन ऊपर एंडिंग नीचे तो आंसर क्या हो गया ट्वेंटी मीटर साउथ अक्सर बच्चे ट्वेंटी मीटर नॉर्थ लगाकर आ जाएंगे कि सर देखिए बट डायरेक्शन ऊपर की जाने पर की जानेब है। ये किस चीज की डायरेक्शन है कि भाई एंडिंग पॉइंट कहां पे है एंडिंग पॉइंट क्या है, वो तो ऊपर की जाने देख रहे हैं नॉर्थ की जानेब इनकी अभी फिलहाल मुंह की जानेब है एंडिंग के ऊपर ऊपर की जानेब है मगर एग्जामिनर ने पूछा क्या है कि भाई उसकी डायरेक्शन बताओ जब उसने स्टार्ट किया था

इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इज हाउस अब देखो अब एग्जाम क्या कह रहे हैं कि देखो यहां पर मैं फाइनली खड़ा हुआ सही है ना मेरा घर कहां पे था लुकेश का जो घर था ना होम

की ऊपर की जानिब है तो नीचे से कहां का है ऊपर की जानिब है तो आंसर क्या होगा नॉर्थ के ऊपर कि ये अभी लास्ट के अंदर जो उसकी फाइनल पोजीशन है उस फाइनल पोजीशन के ऊपर अपने घर से ये नॉर्थ की जानिब खड़ा हुआ है क्योंकि एग्जामिनर ने कहां से रेफरेंस मांगा हुआ है फ्रॉम हिज हाउस तो ये वाला जो कांसेप्ट है ना ये बिलियन डॉलर्स का कांसेप्ट है बहुत पेपर में आता है सही ना भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं क्या कह रहे तो 22, 22, हैं क्या अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है इफ ए बी सी एंड डी आर दी प्लेइंग कार्ड्स ए एंड बी आर पार्टनर्स डी फेस टूर्ड दी नॉर्थ ए फेस टूवर्स वेस्ट देन टूवर्ड्स दी साउथ देखो ये बिल्कुल लास्ट तरह का क्वेश्चन आ रहा है इस तरह इससे ऊपर भी क्वेश्चन ने सोल्व किया था पार्टनर्स वाला भाई एक चीज तो याद रखिएगा का, कार्ड्स के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आपको मिलेंगे चाहे इधर यू आर अपलाइंग फॉर दी एनबीएस इधर यू आर अपला सेट फॉर दी नर्स फॉर दी लम्स फॉर दी, दी फास्ट फॉर एन एनी फॉर एनी यूनिवर्सिटी इनफैक्ट कार्ड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्प्ट की बात करू प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स कॉन्सेप्ट बहुत आता है आईक्यू में भी बहुत आ रहे होते हैं तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया वहां से कवर करिएगा देखो एग्जामिनर का कह रहा है कि चार लोग या चार एबीसीडी बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं आगे बड़े मजे की बात कर रहा है। कहता है कि भाई देखो ए

क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमें क्यू पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी है पॉइंट पी के रेफरेंस से तो भाई एक बात तो पता चल गई कि यार हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा होगा पी से लेकर क्यू तक का इन विच डायरेक्शन किस डायरेक्शन के ऊपर है डायरेक्शन है, तो है कि पॉइंट क्यू पॉइंट पी से किस डायरेक्शन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया पॉइंट पी से किस डायरेक्शन के ऊपर पॉइंट क्यू आ रहा है वेस्ट के ऊपर यानी कि देखो ये जो पॉइंट क्यू है ना पॉइंट पी के रेफरेंस से देखो पॉइंट पी का क्या होगा

तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक साहब अपने अ लीव फॉर हिज हिज ऑफिस फ्रॉम हाउस अपने घर से निकले हमें हाँ उनका घर तो नहीं पता कि वो दुनिया में कहां लाइक कर रहा है तो मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट सपोज कर लिया उनका घर है आगे कहता है, तो है ही वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट अपने ईस्ट के ऊपर गए तो भैया मेरा ईस्ट ये रहा मैं ईस्ट पे चला गया अच्छा कहता है ही वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर कहता है ईस्ट के ऊपर 20 मीटर्स इन्होंने ट्रैवल करा 20 मीटर्स अपने ईस्ट पर ट्रैवल किया देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ पे टर्न कर गए अपने साउथ के ऊपर ओके? Okay? यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली साउथ नीचे की हमेशा होगा। तो भैया कितने मीटर्स मीटर्स गए गए। नीचे? He turns towards the south and walks 10 meter, 10 यानी कि ये अपने साउथ के ऊपर ट्रैवल कर आगे आगे कहता है, 35 meters towards the west. आगे बड़े मजे की बात कर रहा है के 10 कर लिया ना, तो अभी अपने, अपने

लेट सपोज दुनिया भर में कावानी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना रॉन्ग वे लेके निकल जाते हो अगर आपको ऑफिस सामने की गली में तो आपने क्या करा रॉन्ग वे लेके कल्टी मार के टर्न मार के निकल गए तो तो करना पड़ता है हो सकता है पूरा घूम घाम के जाना पड़ता हो अपने की जाने से है ना भाई ओके अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर लेक्चर जो बेतहाशा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्या कहता है देर आर फोर उ okay, पी क्यू एक है आर एन टी ओके साउथ वेस्ट ऑफ दी अच्छा एग्जाम ने बड़े मजे की बात करी देखो क्वेश्चन समझो देखो क्वेश्चन में एग्जाम क्या कह रहे हैं क्यू जो है ना वो साउथ वेस्ट के ऊपर है पी के यानी कि मुझे सबसे पहले P मेरा रेफरेंस पॉइंट है P क्या है मेरा रेफरेंस पॉइंट क्योंकि Q के बारे में क्या बताया जा रहा है कि Q जो है वो साउथ वेस्ट के ऊपर है P के तो इसका मतलब P इनिशियल पॉइंट है तो लेट्स सपोज मैंने P कंसीडर कर लिया यहां पे एग्जिस्ट करता है टाउन P अब एग्जामिनर ने क्या कहा Q क्या है इस P के साउथ वेस्ट के ऊपर है अब देखो साउथ वेस्ट होता क्या बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे देखो नॉर्थ अगर ऊपर है साउथ अगर इधर है ईस्ट अगर इधर है वेस्ट इधर इधर है याद रखिएगा वेस्ट और साउथ के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दरमियान की डायरेक्शन होती है उसको वेस्ट साउथ कहते हैं तो क्या कह रहा है साउथ वेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट पी के साउथ वेस्ट के ऊपर क्या लाई कर रहा है ये पॉइंट क्यू लाई करता है टाउन क्यू लाई कर रहा है आगे कहता है आर इज टू ईस्ट ऑफ क्यू ओके okay, एग्जामिनर कह रहा है आर के बारे में बता रहे देखो पहले मैं इतनी कंडीशन समझूंगा मुझे मैं भी आगे नहीं पढ़ूंगा आगे पढ़ूंगा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा हमेशा पहले आधी कंडीशन पढ़ लो क्या कह रहा है आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू

आगे कह रहा है इन साउथ ईस्ट ऑफ पी कहता है और ये जो आर है ना ये पी से किस डायरेक्शन के ऊपर है साउथ ईस्ट के ऊपर है नॉर्मल सी बात है भाई साउथ ईस्ट इधर ही होता है बिल्कुल इधर ही होता है तो पी से कहां पर है इसका डिस्टेंस पी से साउथ ईस्ट के ऊपर है आगे कहता है टी इज टू दी नॉर्थ ऑफ आर

टी लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड कहता है तुम ये बताओ कि जो पी होगा वो टी से कहां पे लोकेट कर रहा होगा अब अगेन ये बहुत सिंपल सी चीज है एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई किस डायरेक्शन के ऊपर पी के किस डायरेक्शन के ऊपर टी लोकेट कर रहा है रहे हैं, मैं ये फाइंड करने देखो जाहिर सी बात है पी किस डायरेक्शन पे टी से लोकेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन पे लोकेट कर रहा है और ये वाला कौन सा होता है खुद देखो ये वाला कौन सा पॉइंट होता है ये हमारे पास होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का पॉइंट होता है ये कौन सा होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट किसी बच्चे को समझ में नहीं आया मैं दोबारा रिपीट करे तो बहुत मजे का क्वेश्चन है देखो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन डिफिक्ट और बिलीव मी इट विल बी रियली 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 इजी अगर आपने लेक्चर को तरीके से ले लिया देखो एग्जामिनर सबसे पहले क्या कहा एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास एक पॉइंट क्यू है जो कि पॉइंट के साउथ वेस्ट के ऊपर है क्यू इज टू दी साउथ वेस्ट ऑफ पी हमेशा इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ो अक्सर जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं ना ए को चलो इंग्लिश में अच्छी होती है ए लेवल्स वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है आई नो दिस थिंग पर्सनली मगर जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बड़ी खराब होती है बेचारों की तो भाई उसके लिए दो काम लाजमी करो अगर आप चाहते हो आप आई में एडमिशन लो लम्स में लो या नस्क एनबीएस के अंदर लो एनबीएस के अंदर भी अस्सी मार्क्स की इंग्लिश आ रही है याद रखो कोशिश करो बेटा डेली टाइम्स को रोज पढ़ो या डॉन न्यूज को पढ़ो डॉन को पढ़ो डेली न्यूज को पढ़ो किसी भी एक न्यूज पेपर से आर्टिकल्स लाजमी पढ़ो अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हो

भाई जो बच्चे इन यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं खुदारा खुदारा इस पर बड़ा फोकस करो मैं अगेन कह रहा हूं कि रोज कोशिश करो एक आर्टिकल लाजमी पढ़ो किसी भी न्यूज पेपर से आपको दी न्यूज पसंद है आपको बीबीसी इंग्लिश की ब्रॉडकास्टिंग सुनो कुछ भी सुनो मगर करो लाजम इंग्लिश ऊपर वर्किंग डॉन अपने घर पे डेली लगवाओ डॉन के लाजी तौर पे एक सफा पढ़ो डॉन के जब तक सफा नहीं पढ़ो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगी ये सब बेकार बातें होती है मूवी से देख देख के अच्छी कर ली मैंने बेटा मूवी से देख देख के और बहुत कुछ भी अच्छा बन रहा होता है फिर वो उसको बेकार चीजें अपनी टाइम मत करो कि वो जो एक फनकार के बच्चे बोल रहे होते हैं क्लास में किसी को मशवरा हो तो आगे से कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश मूवीज देख के इंप्रूव कर लेता हूं भाई वो इंग्लिश मूवीज देख के जो है ना इंसान खुद ही कुछ कमजोरी की तरफ जा रहा हो तो बेहतर है कि भाई इंसान बनो

बेहतर कि पहले भैया अपनी जो है ना सिंपल तरीके से पर्टिकुलरली पढ़ के इंग्लिश को इम्प्रूव करो और पढ़ के कैसे करो कि घर लो कोई भी यार, मैं का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ भी लगवा लो अच्छा आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पी मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो पी के साउथ वेस्ट के ऊपर क्या आता था मेरे पास क्यू था पी के साउथ वेस्ट के ऊपर बेटा क्या आ रहा था क्यू आ रहा था आगे एग्जामिनर क्या कहता है आगे एग्जामिनर कहता है आर जो है ना